Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well, and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान है आदिया लास्ट हो के है बेबस बात में कि हाँ मुस्कान अपनी थी यानी कि पायल को समझा दिया कि दीदी प्लीज शांत हो जाओ कुछ नहीं होगा काजल मैम बिल्कुल ठीक होंगी पर पायल तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी वो आदिया को बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आदिया मुझे नहीं पता तुम अभी काजल के घर जाओ और देखो कि काजल ठीक है या नहीं जिस पर आदिया बोलती आर यू आर्ट ऑफ योर माइंड हाँ अगर मैं अभी जाऊँगी तो काजल के पेरेंट्स समझ जाएंगे कि मुझे आपने भेजा है इसलिए मैं अभी नहीं नहीं जा सकती सुबह तक का वेट करना होगा सुबह मैं जाऊंगी और काजल से बात करूंगी एंड डोंट वरी काजल के पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते हैं कोई जल्लाद नहीं है जो उसे अब तक खा हाँ कुछ नहीं होगा प्लीज सुबह तक का वेट कर लो यहाँ आ गया पायल को समझाती है जिस पे पायल मान जाती है और अपने रूम में चली जाती है पर पायल बहुत अपसेट थी इसलिए मुस्कान आधे को बोलती है कि क्या मैं आज पायल दीदी के साथ रुक जाऊँ उनके रूम में जिस पर बोलती है ये कोई पूछने की बात है ऑफ़कोर्स आपको वहीं जाना चाहिए और फिर मुस्कान चली जाती अपनी दीदी के पास जहाँ वो अपनी दीदी को समझाती है कि दीदी सो के अब अपने प्यार से समझाते हैं और सुला देती है दीदी को सुलाने के बाद वो फिर से अपने रूम में आ जाते हैं जहाँ आधी अभी तक सोई नहीं थे। मुस्कान थी मुस्कान वती अब अभी तक सोई क्यों नहीं आधे वती आपका वेट रही थी मुझे पता था छह से पायल सोएगी अब यहीं होगी मेरे पास जिस पर तो मुस्कान मुस्कुरा थी और आधे आपकी खुद में आके लेट जा हाँ क्योंकि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी आपके बिना रह सकती हूँ क्या तो यहाँ आधिया मुस्कान की आंखों में देखती कहती है आपके बिना तो मैं भी नहीं रह सकती और फिर आधिया मुस्कान को किस करती है मुस्कान ही उठ के बैठती है और आधिया को लिप्स पे किस करने लगते हैं ये दोनों ही एक दूसरे को लिप्स पे किस कर रहे थे और ये किस कोई आम किस नहीं थी ये किस बहुत स्पेशल थी ये दोनों ही बहुत क्यूट से किस कर रहे थे और फिर मुस्कान यू आधिया को बेड पे पुश करके एकदम से उसके ऊपर आके लेट जाती आधिया बोती ये क्या था करा उसका अनुभति मुझे आपके ऊपर सोना है आधिया बती हम नोटा वे बेबी हाँ तो उसका अनुमति मेरे ना हाफी पियो हु। हम जाओ आप अरे वीड नाइट बेबी आई लव यू मुस्कान बोती आई लव यू टू गुड नाइट अब ये दोनों ही सो जाते हैं अगले दिन जब मुस्कान की खुलती है तो वो है पालन के पास खड़ी इन्हें घूर रहे थे मुस्कान एकदम से आ दिया कि ऊपर से हटी हुई थी दी दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो इस इसके बती तुम दोनों के जगने का वेट करी थी अब जल्दी से हाथिया को उठाओ और से बोलो खाजल के पास जाए मुस्कान बती हाँ दीदी ठीक है पाजल वहाँ से चले जाती और मुस्कान हाथिया को उठा दिया आत्या आधिया मैं उठो ना आधिया भी, भी प्लीज़ वेकअप आधी बती सोने दो ना मुस्कान बती नो प्लीज़ उठो दीदी बहुत परेशान हो रही आपको काजल मैम के घर जाना है ना आधी एकदम से उठी थी शिट मैं तो भूल गई थी हाँ मैम मैं अभी मैं जाती हूँ आधी जल्दी से फ्रेश होती है फिर मुस्कान आ दिया को डोर तक छोड़ने आ दे आधे बोती रेडी रहना फिर कॉलेज आना है ओके जिस पर मुस्कान बोती ओके यहाँ आधिया जल्दी से चली जाती है काजल के घर यहाँ काजल की मोम आधिया को तो कुछ नहीं कह सकती थी इसीलिए आधे सीता काजल के रूम में चले जाती है काजल आधिया को देख के उससे लिपट के रोने लगती आधिया होती तुम लोग को क्या रोती घर पे सब कुछ करने की हाँ पागल पागल हो गया पकड़े गए ना अब जिस पर काजल होती हमें क्या पता था मोम इतनी जल्दी हमें हम जो हो गया सो हो गया ये बताओ मुझे मैं मोम को कैसे बनाऊँ जिसपे आदियावती मुझे क्या पता तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई खुद देखो तो कहती हार प्लीज ऐसे मत कर तो खुद तो, तो, को मेरी बहन बोलती है बहने ऐसे कर दिया तो जैसे होगी तो मुझे यही करना पड़ेगा मुझे समझ में नहीं आता भाई इतना भी क्या था रूम में पागल तो वागल हो इतना ही था उल्ले रूम बुक कर लेते ना हा, हाँ वहां चले जाते जिसपे अब काजल घूरने लगती आद्या को आदियावती ओके ओके रिलैक्स यार बाहर बहुत परेशान हो तो एक पहले उससे बात कर ले आधे इतना बोल के काजल को मोबाइल देती है अपना काजल तुरंत पायल का नंबर डायल करती है पाल कहती है हेलो खाजा पति हाँ पहला योगे पाल भती हम हाँ, फाइन अब तो ठीक हो ना कहाँ दिया आप तो थी, वो दी मोम ने मेरा मोबाइल ले लिया हम हाँ, सोरे जिसपे पालवती ममा पापा आपसे ज़्यादा नाराज़ है क्या पति डोंट वरी मैं उन्हें बना लूँगी पति आप ठीक हो पाल बोती हूँ आप ठीक हो अजयती हाँ मैं ठीक हूँ हमें सू भाजपती हमें से अजयती आप टेंशन मत लेना कुछ नहीं होगा होम डैड को मैं बहुत जल्द मना लूँगी पर तब तक, तक हम शायद मिल ना पाए जिस पर बेचारी पायल का तो वो ही लटक जाता है और फिर कहा खा जा हो गए ना कौन सा हम इतना दूर रहते हैं मैं घर से बाहर नहीं आ सकती पर टेरिस पे तो आ सकती हूँ ना जिस पर आधे गई थी हाँ मेरा आटी चोरी करी हो तो, तो प्लीज तो, तो चुप रह और फिर काफ़ी देर तक बात करती है पायल से यहाँ आधिया दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती है कि कहीं आंटी ना आने लग जाए और तभी तो एकदम से वो देखती आंटी आ रही हैं आधिया जल्दी से खा जो उसका मोबाइल अपना मोबाइल लेती और अपने पॉकेट में डाल देती है तभी गाजर के मोमाज आते हैं वो आधे कभी बोते हैं आधिया कहाँ थी तुम इतने दिन आते बोते हैं वो आंटी बस कहीं नहीं, नहीं थी तो ऐसे ही कहती आंटी आपकी तबीयत कैसी आप है आप ठीक तो हाँ, है अंकल कैसे हैं तो कहते हैं हाँ हम सब ठीक हैं तुम तुमसे मुझे एक बात करनी थी मेरे रूम में हो, आते होती जी आंटी मैं अभी आती हूँ यहाँ आधिया जो है वो आंटी के रूम में चले जाती है वहाँ आती की कि को ना मतलब आंटी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी आती होती है आंटी शॉर्ट तो कहती हैं कि तुम तुम काजल को यहाँ से ले जाओ आधे मतलब तो कहती तुम इसे अपने शहर ले जाओ अपने घर रखो वहीं पे इसे बोलो ये ऑफिस ज्वाइन करे जिस आधे बदले आंटी आपको पता है ना मेरी की तरह उसे भी ऑफिस में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे टीचिंग करना ही पसंद है तो कहती मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद है और क्या नहीं मैंने जो बोला तुम वो करो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती आधे बती ठीक है आंटी मैं काजल से जाके बात करती हूँ आधे इतना बोल के काजल के पास आती हुई थी ओ भाई आंटी तो बहुत गुस्सा है मैं तुझे यहाँ से भेजने की बात कर रहे हैं जिस पर कहती नहीं यार तू प्लीज़ मैं को समझाना आधे पति भाई मैं सब में नहीं पढ़ सकती मैं आंटी के सामने कुछ नहीं बोल सकती आंटी को इतना पता है कि मैं नहीं जानती सब चीज़ों के बारे में तो प्लीज़ मुझे इन्वॉल्व मत कर जिस जिसपे काजल बती फ्लीजान आती तू मेरी हेल्प नहीं करेंगी तो कौन करेगा आधे बती तू क्या चाहती है मेरा भी तेरे घर में आना बंद हो जाए हाँ अगर मैं तेरे घर में नहीं आऊँगी तो फिर तू तो कैसे अपनी जान से बात करेगी बता मुझे जिस पर अब काजल मान जाती है और वो चुप हो जाती है यहाँ आदि बोल रही थी क्या मुझे आटे से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है पर जब आटे को पता चलेगा मैं तेरी साइड ले रही हूँ हाँ तो वो मुझे इस घर में घुसने भी नहीं देंगी राइट और सोचना कितना अच्छा है अगर तू वहाँ मेरे पास होगी तो तू आराम से बात कर सकती है पाल से जब चाहे कोई रोक टोक नहीं तो कहती यार राइट कॉल पे बात कर सकती हूँ पर उसे देख नहीं सकती उसे हाक नहीं कर सकती उसे इतना दूर मुझे कहीं नहीं जाना मैं नहीं जाऊँगी जिस पर आते हुए मैं भी तो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रही हूँ ना तो कहती देख यार तू तो, तो बहुत ब्रेव है पर मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ मैं जाके भी पार से धूल नहीं रह सकती वो मुझसे पाँच कदम की दूरी पे रहती है फिर भी मुझे ऐसा लगता है मानो मुझसे कितनी दूर है और तू चाहती है मुझे इतनी ज़्यादा दूर चले जाऊँ कि उसे साल साल भर देख ना पाऊँ जिसपे आधे होते यार मैं और क्या ही कर सकती हूँ फिर तू मना अपनी मोह को कि वो तुझे यहाँ रहने दे क्योंकि मुझे ही नहीं लगता जहाँ तक मैंने आर को जज किया वो बिल्कुल भी तुझे और पाल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी इतना बोल के आ वापस आ जाती है क्योंकि उसे मुस्कान को कॉलेज ड्रॉप करने जाना था यहाँ मुस्कान गेट पे ही खड़ी थी आधिया नोक करती है तो मुस्कान अपना बैग वैग लेके बाहर आ जाती आधे वी कोई मेरा वेट कर रहा था मुस्कान वती तो मुस्कान स्कूटी पे बैठ जाते और जाते हुए रास्ते में वो आधिया से पूछते कि क्या हुआ फिर आधिया उसे सारी सिचुएशन बताती है थोड़ी देर के बाद ये लोग कॉलेज जा आ जाते हैं आधिया मुस्कान को कह दिया कि हे रिलैक्स वो सब चीज़ अपने माइंड से निकाल दो ओके मुस्कान वती आधिया वती अच्छे से एग्जाम दो मैम उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा आंटी और अंकल भी मान जाएंगे आप उन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो आई नो आप बहुत स्ट्रेस वेस्ट है मैं उसका अनुभूति थी 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 थी, थी, थी पूरी रात रो रही थी और अब भी वो रो रही थी मैंने चुप भी नहीं करवा पा रही थी आधे बद इट्स मैं हूँ ना मैं कोशिश कर रही हूँ सब ठीक हो जाएगा अब आप अंदर जाओ जिस पर मुस्कान क्लास में चली जाती है और आधिया प्रिंसिपल मैम से बात करने जाती है क्योंकि काजल के पेरेंट्स तो उसे कॉलेज आने नहीं देने वाले थे वो प्रिंसिपल मैम के पास जाती है और उन्हें बताती है कि काजल आज कॉलेज नहीं आएँगे शायद दो तीन दिन तक ना ही है। जिस पर मैम बहुत गुस्सा होती है कहती वो पागल है क्या बच्चों के एग्ज़ाम्स चल जरूरी और अभी मैं वो छुट्टी कैसे कर सकती हूँ उसे बोलो आए जिस पर आधे बोलती है कि मैम उनके पर्सनल रीजन से कुछ आई एम सॉरी मैं कुछ नहीं कह सकती मुझे बस उसने बोला था मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ तो मैंने कर दिया <tihar> इतना बोल के आधिया अपनी क्लास में चली जाती है यहाँ थोड़ी देर में पेपर स्टार्ट होने वाला था सब स्टूडेंट्स रट्टे मार रहे थे पर यहाँ मुस्कान स्टडी नहीं कर रही थी वो बाहर विंडो की तरफ देख के कुछ सोच रही थी वो अपने ही ख्यालों में गुम थी आधिया मुस्कान को अपने पास मिलाती हूँ कहती वट हैपन बन खोई खो हुई हूँ उसका मत कहीं भी नहीं आदिया बोती मुझ पर विश्वास है ना मुस्कान बोती तो कहती बस मुझ पर विश्वास रखो मैं सब ठीक कर दूँगी आप बस अपनी स्टडी पर ध्यान दो याद है ना आपने मेरे से एक प्रोमिस किया है क्या ऑफिस में मेरा हाथ बैठाओगी और वो कब होगा जानती हूँ ना मुस्कान वती जानती हूँ आधिया वती सीट मुस्कान वती मुस्कान अपनी जगह पे आ जाती है और थोड़ी देर में पेपर स्टार्ट हो जाते हैं आधिया सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करती है और कहती है कि कोई नकल नहीं लगाएगा <laughs> इतना बोल के वो अपनी जगह पर जाके बैठ जाती है यहाँ सारे स्टूडेंट्स पेपर कर रहे थे पर मुस्कान वो अपने पेन को बार बार बंद कर रही थी और खो रही थी तभी आदिया मुस्कान के पास आती है कि तीव है पेन मुस्कान वह नथिंग आधिया होती टाइम बहुत कम है पेपर को सिर्फ देखना नहीं है फिल भी करना है जिस पर मुस्कान में थी उसके बाद मुस्कान अपना पेपर करने लगती आधिया का सारा ध्यान मुस्कान पर था आधिया समझ रही थी मुस्कान कितनी परेशान है इसलिए आधिया बीच बीच में मुस्कान को आकर याद दिलाती कि सोचों से वो गाही मत हो बाहर आ जाओ सोचों से निकल आओ और अपने पेपर पर पे ध्यान दो वह इसी तरह पेपर ख़त्म हो जाता है और आधिया मुस्कान को अपने कैबिन में बुला हैं मुस्कान आधे के कैबिन में जाती हैं जहाँ आधे मुस्कान के फेस को टच करती है हे बच्चा रिलैक्स सब ठीक हो जाएगा भूलो मत इट्स योर एग्ज़ाम्स और आपको अपने एग्जाम्स पे ध्यान देना है प्लीज़ मुस्कान बती तो आते मुस्कान के फ़ौर पे किस कहते हैं कहते हैं लव यू जो आपसे बहुत उम्मीद है प्लीज़ मेरी उम्मीदें मत तोड़ना मुस्कान बती नहीं तोडूंगी और फिर दोनों ही एक दूसरे को हक करके खड़े हो जाते हैं यहाँ प्रिंसिपल मैम एकदम से दरवाज़ा पे आ जाते हैं वो दरवाज़े एकदम खोलते हैं दोनों पीछे हो जाते हैं प्रिंसिपल मैम नोके पगैर अंदर आ गए थे आधे बोते मैम आप यहाँ तो बोलते कहाँ है ये काजल हाँ वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रही है कब से गोल कर रही हूँ स्विच ऑफ़ स्विच ऑफ़ मेरा दिमाग ख़राब हो गया उसे बोलो कल हर हाल में कॉलेज आया पढ़ना उसे मैं कॉलेज से निकाल दूँगी वो इतना गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है वो कुछ नोट नहीं करती कि किरण और सिमरन क्लोज थे कुछ वो वही नहीं करती वो बहुत गुस्से में थी और वहाँ से बस चली जाती हैं किरण ना बोते हाल बाल बचे ये मैम बिना मैनर्स नहीं है क्या नोक नहीं करके आ सकती थी। जिस जिसपे मुस्कान होती मैम बहुत गुस्से में लगता है काजल मैम की जॉब गई जिसपे आदा होती है मुझे भी कुछ यही लग रहा है मैं आज हाँ जाके आंटी से बात करूंगी कि एटलीस्ट पाल की वजह से काजल का कॉलेज तो मुझा से कॉलेज तो भेजे हाँ तो उसे तो पायल आज ऑफिस नहीं गई थी वो बहुत अपसेट थी और घर पे ही थी यहाँ काजल भी अपने रूम में वो रूम से बाहर ही नहीं निकलती तभी वो देखती है कि उसकी माँ उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई है जिस पे काजल पति माँ वहाँ मा, प्लीज़ मुझे कॉलेज तो जाने दो मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं मैंने इतने इतनी मेहनत की है उन पर और एग्जाम्स में नहीं जाऊँगी तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी माँ प्लीज़ मुझे जाने दो ना उसकी माँ कहती चुपचाप खाना खा लेना काजल पति मुझे नहीं खाना खाना आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे कॉलेज जाना है। तो उसकी माँ उसे कहती, हो। जो ये खाना दे रही हूँ ये भी नहीं दूंगी काजल पति तो ले जाओ ना अपना खाना नहीं खाना मुझे काजल भी गुस्से में आ है तो उसकी माँ वो खाना भी उठा के चली जाती है और काजल एकदम ये मेरी ही माँ है किसी और की तो नहीं है ना मतलब इनके सगी उला दी मुझे बाहर से उठा के आई थी यही काजल की मोम तो बहुत गु़स्से में थी वो खाना भी लेके वहाँ से चली जाती है काजल और भी अपसेट हो जाती है और वो अपने सोफे में ज़ोर से टांगे मारने लगती है हाथ मारने लगती है पंच करने लगती है सोफ़े को बेचारे सोफे की क्या ही गलती है इसमें यहाँ काजल का मन कर रहा था पायल से बात करने का पायल को देखने का पाल के बिना तो उसका मन ही नहीं लग रहा था पायल भी वहाँ तो सी तब बहुत अब थी यहाँ काजल तुरंत टेरिस पर आ जाती है कि चलो पायल को देख के कुछ सुकून मिलेगा पर पाया तो अपने रूम में बैठी रो रही थी काजल काफ़ी देर तक टेरिस पर रहते कि देखिए मैं क्या करूँ पायल को टेरिस पर कैसे बुलाऊँ काजल तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो बहुत कोशिश करती है कि अपने घर से ही मतलब तो कुछ कंकर वंकर उठा के फेंक दे कुछ पत्थर वत्थर और इतनी दूर तक जाना इम्पॉसिबल था यहाँ काजल जो है वो सोचती है कि क्या ही करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरह पायल को देखूँ उसे देखूंगी तो शायद कुछ सुकून मिलेगा यहाँ काजल सोचती है कि अरे मेरा घर है मैं बचपन में से कितनी दफ़ा घर से चोरी छुपे भागी पा तो अब क्यों नहीं हाँ बाहर खेलने के लिए भी तो निकल जाती थी ना पेरेंट्स से छुप के अब भी निकल जाऊँगी इतना बोल के वो किचन में चले जाती है और किचन की विंडो को खोलती है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो बैठे थे अंदर उन्हें क्या ही पता चलेगा वो किचन की विंडो खोलती है और विंडो तो से बाहर चलाऊँगा लगा देती आओ मम्मी बचपन में कितनी चोटी खाई है अब तो बहुत दर्द होता है जल्दी से उठती है और फिर मेन गेट की तरफ भाग जाएगी थी नहीं, नहीं मेन गेट चली गई तो पकड़ी जाऊंगी इतना बोल के वो मेन गेट से नहीं जाती वो बैक डोर से जाती है बैक डोर काफ़ी टाइम से बंद था उस पर अभी भी एक मोटा सा ताला लगा हुआ था कहती अरे यार ये डोर तो कब से बंद है खोल भी नहीं पाऊंगी मेरे पास तो चाबी भी नहीं है अब क्या करूँ तभी वो दूसरी तरफ जाती है स्टोर रूम की तरफ स्टोर रूम में उसे पता था कि सीढ़ी तो होगी वो सीढ़ी ढूंढती है उसे लगाती है और दीवार से बाहर को जाती है मम्मा फिर भाई मेरे पेरेंट्स ना पक्का मुझे लंगड़ा लूड़ा करेंगे इसी तरह चोटें लगवा लगवा के टोर से जाने देते तो क्या ही जाता इनका इतना बोल के वो जल्दी से काजल के घर जाती है नोक पे नोक करने लगती है बैल पे बैल देती है पायल बोलती है इस टाइम कौन आ गया पायल तुरंत दरवाज़ा खोलती है और सामने काजल खड़ी थी ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते मनो सदियों से इन दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं था काजल एकदम घर तो के अंदर आती और पायल को हक कर लेती और पायल रोने लगती हां काजल की आंखें भी नम थी ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही हक करके खड़े थे दोनों बहुत रो रहे थे तभी काजल यूं पीछे होती है वो पायल के आंसू पोंछती थी हे पागल रुक यार रो क्यों रही हो पार्वती आओ के काजल बोती है सब फाइन देखो क्या हुआ मुझे मुझे तो कुछ नहीं माना ओ आई मिस यू सो मच इतना बोल के काजल के पूरे फेस पे किस करने लगते हैं काजल मुस्कुराती है। थी अंदर चले पाल या फिर दोनों ही पायल के रूम में आते जहाँ दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे ना पायल का मन कर रहा था काजल से दूर जाने का ना ही काजल का ये दोनों काफ़ी देर से एक दूसरे को हक करके बैठे थे और बस रोए जा रहे थे तभी यहाँ काजल की नजर जाती है बैठ के पास खाने की प्लेट पड़ी है जिसमें से खाने को किसी ने अभी तक टच भी नहीं किया था काजल डान दिया आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया ना पायल बोती नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था कैसे कर लेती आपको देखा नहीं था आपसे बात नहीं कर रहा था हमको अच्छा नहीं लग रहा था काजल बोती अब तो देख ला ना खा लो पायल भोती मुझे भूख नहीं है तो काजल खाने की प्लेट उठाती और पायल को अपने हाथों से खिलाती है जिस पर पायल बहुत रोती है आई लव यू सो मच प्लीज मुझसे दूर मचाओ काजों पति लव यू टू जान मैं चाह के भी आपसे दूर नहीं रह सकती देखो आ गई ना आपके पास और फिर पायल भी खाचल को अपने हाथों से खाना खिलाती है ये दोनों एक दूसरे को खाना खिला रही थी माँ दूसरी तरफ काजल की मोम वो बहुत अपसेट होती है वो कहती है ना माँ तो यार माँ होती है वो चाहे हमसे जितना मर्ज़ी नाराज़ हो जाए लेकिन हमें भूखा नहीं देख सकती यहाँ काजल की मोम को रिल्स होता है कि उन्हें खाना नहीं लेके आना चाहिए था रूम में रख देना चाहिए था काजल बाद में खा लेती ना अब वो सोचती कि हमें काजल के रूम में जाऊँ खाना देने में फिर सोचती नहीं जाऊँगी तो भाव खाएगी कितनी नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा वो खाना नहीं खाएगी तो मेरी हलक से खाना कैसे नीचे उतरेगा और उतरेगा यहाँ में पता चलता है कि काजल की मोम ने अभी तक कुछ नहीं खाया दोपहर तो होने को आई थी यहाँ काजल की मोम खाना जल्दी से काजल के लिए बनाती है और खाना सारा काजल का फेवरेट ही था उसे प्लेट में डालती हैं काजल को देने के लिए यहाँ काजल पाल को बोलते हैं कि जान अभी मैं चाहती हूँ इससे पहले मोम को पता चले मैं रूम में नहीं हूँ उन्हें पता चला तो गड़बड़ हो जाएगी पाल पोती प्लीज़ अभी मत जाओ बस पाँच मिनट ओर रह जाओ काजल पोती जान प्लीज़ मैं रिस्क नहीं ले सकती प्लीज मैं मैं रात में आऊँगी आपसे मिलने पक्का इतना बोल के काजल पायल को किस करती है और फिर जल्दी से बाहर भाग आती है वो जैसे ही मेन गेट पर आती है पीछे से पायल पर आ जाती है वो काजल को हक करती है और फिर उसे रोने लगती है काजल ये पीछे घूमती है और पायल के लिप्स पर किस करती है आई लव यू सो मच प्लीज डोंट ट्राई रात में मिलेंगे तब्य हो अपना क्या रखना प्लीज़ खाना मत करना तब बोल के खाचा जल्दी से दरवाज़ा खोलते और भागते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है अंदर से तो वो सीढ़ी लगा के कूद के आ गई थी अब मसला था बाहर से अंदर कैसे जाए ये तो उसने सोचा ही नहीं था अब अपने घर के बाहर खड़ी अपना सर पकड़ के परेशान किया और मैं क्या करूँ अब मैं अंदर कैसे जाऊँगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी उसे याद आता है कि उसकी जो घर की साइड वाली दीवार है ना वो थोड़ी सी मतलब बहुत लंबी नहीं है वो थोड़ी कम है हाइट में शायद मैं वहाँ से जा सकती हूँ इतना सोच के वो अपने घर के ऑपोजिट साइड पे चली जाती है और वहाँ से अंदर जाने की कोशिश करती है पर हाइट उसकी हाइट से थोड़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से वो अंदर कूद नहीं पा रही थी और फिर वो इधर उधर देखती है उसे एक पत्थर देखता है वो वो पत्थर रखती है उसके ऊपर चढ़ के अंदर कूद जाती है जिसमें उसके पाँव पर बहुत चोट लगती है फिर कहती ओह उधर है माँ पर अभी टाइम नहीं है टे कभी जाना पड़ेगा बहुत जल्दी से उस टेयर्स को जो उसने सीढ़ी लगाई थी मतलब उससे उठा के स्टोर रूम में छुपाती है और किचन की विंडो से छुपके छुप के जो है वो अपने रूम में जाने लगते बट जब अपने रूम में जा रही थी वो अपने मोम को देखते जो उसकी रूम की तरफ आ रही काजल जल्दी से भाग के अपने रूम में जाते और बेड पर यूँ उल्टे होकर लेटर जाती हैं तभी रूम का दरवाज़ा करता है उसके मोम मंत्र है काजल यूँ पीछे होती है और अपने मोम को देखती है भागने की वजह से काजल की साँसें काफ़ी ज़्यादा तेज थी उसकी मोम उसके पास खाना रखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है तभी वो काजल को देखती है काजल के जो शूज था ना उस पर मट्टी लगी हुई थी और वो समझ जाती है कि काजल बाहर गई है पर वो कुछ बोलती नहीं है वो चुपचाप से रूम से बाहर आ जाती है वो घर के बैक साइड पर जाती है और वो देखती है कि क्या यहीं से वो बाहर गई है पर उन्हें कुछ नहीं मिलता वो स्टोर रूम में जाती है सीढ़ी भी वहीं थी और वो कहती है लगता है मेरा व्यायाम है शायद शूज़ पहले के ख़राब होगा इतना बोल के वो अपने रूम में चली जाती है यहाँ काजल खाने को देखती है उसका खाने का मन नहीं था क्योंकि खाना तो वो अपनी जान के हाथों तो से खा के आई थी यहाँ काजल हल्का सा मुस्कुराती है कहती है आई मिस यू सो मच जान यहाँ पायल सोचती है कि, सो सो कि वो शीट में कितनी स्टुपी रुक का को तो जाने से पहले अपना मोबाइल दे देती एटलीस्ट में उससे बात तो कर सकती थी यहाँ पायल तुरंत अपने घर से बाहर निकलती है स्कूटी पे वो एक मोबाइल शॉप पे जाती है और वहाँ वो काजल के लिए एक नया मोबाइल लेती है जिससे काजल उससे बात कर पाएगी वो मोबाइल लेके घर आ जाती है यहाँ आधे और मुस्कान भी घर आते हैं ये लोग अभी घर टरे हुए थे तभी काजल भाग के आती आधियों को वो मोबाइल देती है और कहती प्लीज़ ये मोबाइल किसी तरह काजल को दे देना इसमें सिम वगैरह मैंने सब डाल दिया उसके बिना बात किए मुझे अच्छा नहीं लगता जिसमें आधिया बोती ठीक है मैं वैसे वैसे के घर ही जा रही हूँ आंधी वो मोबाइल लेके अपने पॉकेट में डाल देती है सीधा काजल के घर आ जाती है काजल के घर जाके वो काजल की मोम से ही सबसे पहले बात करती हो गई थी आंटी मुझे यहाँ प्रिंसिपल मैम ने भेजा है वो बहुत गुस्सा है कि काजल कॉलेज नहीं आई बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और मैम बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही है मैम ने वार्निंग दी उन्होंने बोला अगर कल काजल नहीं आएगी तो वो काजल को कॉलेज से ही निकाल देंगे जिस पर आंटी बोती तो निकाल दें मैं तो यही चाहती हूँ मैं नहीं चाहती कि काजल यहाँ रहे उसे यहाँ से मैं बहुत दूर भेजना चाहती हूँ तुमने काजल से बात की आते बोधे आंटी मैंने उसे बात की पर वो मेरी बात सुन नहीं रही तो कहती तो सुनाओ उससे तो बार बार बोलो वो जरूर सुनो तुम्हारी बात जाओ उसे मनाओ जिस पे आती बोती ठीक है आंटी मुझसे बात करके आती हूँ यहाँ आदिया आंटी के सामने अच्छी बनी थी आंटी को लग रहा था कि शायद आदिया उनके साइड पे पर आदिया तो हमेशा से काजल की साइड पे थी आदिया काजल के पास जाती है काजल बोती थाएँगोर तुम आ गई पाल से मिली क्या वो ठीक है कहती हाँ वो ठीक है ये ले उसने पहले मोबाइल मु भिजवाया ये देख के काजल बहुत खुश होती है और बहुत जल्दी से पायल का नंबर ही डायल करते कल पर बात करने लगती है और आधिया को बताए दरवाज़े पे नजर रखना आते बो दिया हाँ हाँ मुझे तो तुम लोग गार्ड बना के रख दो और फिर वो बेचारे झोंकेदारा करने लगती है नजर रखने लगती है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे देखती आंटी उसी साइड पर आ रही है तो वो तुरंत इशारा करती है और बेचारी काजल अपना मोबाइल छुपा ले थी और आधिया मुझे आवाज़ में कहती है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा काजल तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं और बुरा ही क्या अगर तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी हाँ हम दोनों साथ में ऑफिस जाएंगे मुझे भी कम नहीं मिल जाएगी और तुम्हारे अलावा मैं किसी पर ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकती देखो यार हमारा खुद का बिजनेस है खुद की कंपनी है मैं भी वहाँ पे मालिक और तुम भी वहाँ पे बोस हाँ। और चाहिए क्या दोनों बहनें मिलके वहाँ पर राज करेंगी यहाँ आती है जोर जोर से बोलने लगती है ताकि आंटी के कारण में और आंटी के कारणों में आवाज आती यूं दरवाजे के पास कान लगा के खड़ी हो जाते हैं काजल उसे घूरते कि तू तो क्या बोरी आधेपुतिया अरे आंटी है एक्टिंग कर खाजापति नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हें समझ पे क्यों नहीं आ रहा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती आधिपति क्यों नहीं जाना चाहती तू क्या बात है क्यों तेरे यहाँ से जाने का मन नहीं करता कहीं सच में तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं तेरा कहीं चक्कर तो नहीं देख अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अभी से बता दे मैं तुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं करने दूंगी अंकल आंटी तुझ पर कितना विश्वास करते हैं तुझसे कितना प्यार करते हैं तूने धोखा दे रही है क्या जिस पर खाजापति मेरी लाइफ में कोई लड़का नहीं है कैसे बताऊंगा तुझे छोड़ सब आते पर मैं नहीं जा सकती अब ये सारा सुन के आंटी को और, और ज़्यादा कन्फर्मेशन मिल जाती कि हाँ भाई आधियों को कुछ नहीं पता आधियों को भी से अपने हाथ में लेना होगा कि ले जाए काजल को किसी तरह यहाँ से इन दोनों का ड्रामा दस पंद्रह मिनट चलता है और जैसे इन दोनों को लगता है आंटी चले दोनों है, गए दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं आधे बहुत वो प्यार थक गई मैं ड्रामा करके काजल जोरों हंसती आई थी तो सच में मेरी बहन आई तूने साबित कर दिया फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं आधे बहते पर यार मुझे आंटी के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ कहती यार फिर फिर और ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास आधे बती यार तो एक बार फिर सोच ले यहाँ पे अंकल आंटी हमेशा तुझ पे नज़र रखेंगे हाँ नज़र रखने वाला कोई नहीं होगा जिस पे काजल काजलपति मैंने मना कर दिया ना मुझे नहीं जाना तेरे घर नहीं जाना नहीं जाना कितनी बार बोलूँ आंटी वती ओके रिलैक्स आधे वती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ मुस्कान का कल भी पेपर है मुझे उसे पढ़ाना है और फिर पेपर्स भी चेक करना है जिसपे बेचारी का ज्या वो पता नहीं मेरे स्टूडेंट्स का क्या हाल हो रहा हुआ आज उनका एग्ज़ाम किसने दिया आदिया वती आई डोंट नो किसने लिया मैंने थोड़ी देखा मैं तो अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ले रही थी ना और फिर आधिया वापस घर आ जाती है जहाँ उसका को पढ़ा रही थी और साथ साथ पेपर्स भी चेक कर रही थी यहाँ आ के पास बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि काजल के जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम थे वो भी मैम ने उसे ही दे दिए थे कि उसने ही ये एग्ज़ाम चेक करने आ दिया वो भी एग्ज़ाम चेक कर रही थी और बहुत ज़्यादा थक जाती है तभी तो मुस्कान आदिया के हाथ से एग्ज़ाम पेपर लेती है और कहती है कि बस थक गई हैं आप रेस्ट कर लीजिए आधे होते नहीं मुझे नहीं रेस्ट करना भी बहुत काम है और आप क्यों रुकियो चलो पढ़ाई करो मस्कान बाद अच्छा वैसे हम एक बात बहुत अच्छी है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो तो कि देखियो ऐसा क्या हो गया क्योंकि अब मैं अपना एग्ज़ाम पेपर देख सकती हूँ ना अभी दिखाओ ना मेरे एग्जाम चेक हो गया ना कैसा था एग्ज़ाम पेपर हाँ बताई हाँ ज़्यादा फायदा मंद तो ना मेरी पार्टनर बनेगा क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम पेपर नहीं दिखा रही हूँ ये तो आपको बाद में मिलेगा वो भी क्लास में जिस जिसपे मुस्कान मुंह बना लेती हूँ प्लीज़ अब मैं लता नहीं कर सकती प्लीज़ अब मेरा पार्टनर ना प्लीज, प्लीज़ 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 मुझे कुछ तो फायदा होना चाहिए ना प्रोफेसर की गर्लफ्रेंड बनेगा प्लीज़ जिसपे आधे हंसने लगती थी अच्छा फ़ायदा नुकसान की बात की जा रही है मुझे क्या मिलेगा फिर मुस्कान बता जो आप बोलो आधे बधि सोच लो जो मैं बोलो जिसपे आप मुस्कान अनुमति जो आप बोलो आधे बदी ठीक है फिर आधे एग्जाम पेपर निकाल दिया मुस्कान को दिखा दिया जो चेक हो गया था मुस्कान बती हंड्रेड परसेंट मुझे पता था मुझे पता था मेरा एक नंबर भी नहीं कटेगा ही आई एम सो जीनियस आधे बधी हाँ आल क्रेडिट कॉस्ट टू मी बोलो मत मुस्कान मत हाँ 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 एक ही बात है आधे वती अच्छा वैसे अब मुझे क्या मिलेगा मुस्कान मत हाँ कि क्या कुछ कुछ भी नहीं आधे वती झूठ मत बोलो अब ने बोला था मुझे कुछ मिलेगा मुस्कान मत ही वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था तो आधिया मुस्कान के कमरे में हाथ डाल दे अगर आप नहीं दोगी तो मैं खुद ले लूँगी इतना बोल के आदि मुस्कान को एकदम अपने करीब क्या इस दी मुस्कान मत देखें आप अब क्या कर रही हैं आधे वी आपको देख रही हो क्यों इतना मना है क्या मुस्कान मत मुझे स्टडी आ है वो तो करो ना किसने रोका है आधिया इतना मुस्कान को किस करने लगती है मुस्कान प्लीज कंट्रोल नो आधिया मुस्कान भी आधिया के खोल में आके वैंड से आधियाँ ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से किस करने लगता है <coughs> फिर दिन सडनली एकदम से पीछे होने जाते हैं मुस्कान अधे अवधि क्या अवधि है वट हैपन क्यों मैंने कुछ गलत किया उसके बाद वो मुझे स्टडी करनी है आधी बती सॉरी हाँ हाँ अब हा, आप स्टडी करो अभी मुस्कान पढ़ने बैठ जाती हूँ मुस्कान स्टडी कर रही थी और आधिया बस उसे ही देख रही थी तभी डिनर का टाइम हो जाता है आधे जाती अपने हाथों से डिनर बनाती है और वह टेबल पे लगाती है मुस्कान को बुलाती है डिनर के लिए मुस्कान आ गई थी और आधे बोते के पायल को बुला के आओ मुस्कान बोती मैं नहीं जाऊँगी प्लीज़ आप जाओ ना आधे बोते ठीक है साथ में चल जाए फिर दोनों साथ में चलते हैं पायल को बुलाने के लिए पर पायल मना करती थी मुझे नहीं खाना काजल को थी तो आदियाँ काजल को थी, इसे बोलो खाना खाएं हम बारिश का वेट कर रहे हैं तो फिर काजल आदियों को मनाती कि प्लीज़ जाके खाना को हम बाद में बात करेंगे पहले तो पायल नहीं जा रही थी फिर काजल अपने प्यार की कसम देती है जिस पे पाल चली जाती है अब बाहर मुस्कान आते और काजल तीनों साथ में बैठ के डिनर करते हैं और आदिया समझाती है पायल को कित सो के इतनी सह मत हो दो तीन दिन की बात है फिर सब भूल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा जिस पे भती मुझे नहीं लगता जितना मैंने आटे को जाना है उतनी आसानी से चीज़ें नहीं बोलती आधिया भती रिलैक्स मैंने बोला है ना सब ठीक हो जाएगा खाना खाने के बाद फिर से मुस्कान स्टडी करने चली जाती और आदिया मुस्कान को आके किस करती है तो मुस्कान आधिया को देख दिया उनके थी क्या हुआ आधिया भती खुश नहीं जस्ट ऐसे ही मुस्कान जस्ट ऐसे ही मतलब बहुत कुछ है बताओ ना तो आदिया मुस्कान को हक कर लेती है यदि बस ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हमारा फ्यूचर हमारे सामने है उसका अनुमति मतलब अदियावती जब मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो आई डोंट नो क्या होगा उसका अनुमति है आपने मुझे बोला था ना हमें इतने आगे की नहीं सोचनी चाहिए अगर हम आगे की सोचें तो पॉजिटिव वे में सोचें नेगेटिव वे में नहीं तब तो आप क्यों नेगेटिव सोच लो देख सब ठीक होगा अधियावती आई सो सब ठीक हो उसका आई लव यू अध यू यूट्यूब और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हक कर लेते हैं आज है, के लिए इतना ही मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में टिल टाटा बाय बाय पर चल्द से पहले प्यार से छोटी सी ने से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो हमेशा बहुत मुश्किल से बनती है बहुत मेहनत से बनती है और आप लोगों का तो छोटा सा काम है जिसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है वो है बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों का एक मिनट भी नहीं लगेगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में टिल दें टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरी